लोगों ने, हाँ हो सकते हैं तो कैलकुलेशन एरर सही कर लो। वो करेक्ट कर लो। डू द नीडफुल करेक्शंस, क्योंकि वो कोई चेक नहीं कर रहा। क्या क्या? नहीं, सही कर लो। तुम्हें आता है तो तुम सही कर लो। वो तो वैसे लोगों का है जिनको नहीं आता, ऐसे भी लोग होते हैं। दे हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट नेवरदलेस। हाँ, लास्ट लेक्चर में ये बायोट सर्विस लॉ का बेसिक उन लोगों ने पढ़ा था। और इट सेज दैट किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से उसके एक डिफरेंशियल एलिमेंट यानी एक छोटे पोर्शन की वजह से जो फील्ड स्टैब्लिश होएगा एट सम पॉइंट एट अ सेपरेशन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द परपेंडिकुलर सेपरेशन फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम दैट वायर दैट पीस ऑफ वायर। एंड इससे हमारा इस तरह का एक रिलेशनशिप आता है जिसमें कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी म्यू बाई 4 पाई आता है, वेयर म्यू इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट। म्यू आर इज रिलेटिव परमेबिलिटी, म्यू नॉट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड म्यू इज परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो फॉर एनी अदर मीडियम म्यू आर इज गोइंग टू बी बिटवीन 0 एंड 1। एप्साइलन आर जो हुआ करता था दैट यूज टू बी ग्रेटर देन 1 पे। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म को फिर हमने मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट कर लिया। मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करने पे इट सिंपली बिकम्स म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। आर साइन थीटा जो था क्रॉस आर का आर साइन थीटा और नीचे का एक आर वो कैंसिल हो जाता है। अगर पॉइंट परपेंडिकुलर है, डीएल है तो पॉइंट परपेंडिकुलर रहेगा, या यहाँ पर एटलीस्ट लिया हुआ है परपेंडिकुलर रहेगा। परपेंडिकुलर मतलब ये ऐसे है, ठीक है, यहाँ से अगर मैं ऐसे ले तो दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर लाइन। सॉर्ट ऑफ ड्राइंग करना थोड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा और जैसे। ठीक है, सो अगर परपेंडिकुलर है देन इट इज गोइंग टू बी गिवन बाई दिस। अगर एंगल पे है, एंगल पे है मतलब ये हुआ और ये यहाँ। नाउ देर इज एंगल बिटवीन द करेंट कैरिंग वायर एंड द सेपरेशन आर। ठीक है, इन दैट केस इट विल बिकम आइडियल साइन थीटा। ठीक है, दैट इज एक्सप्लेन्ड ऑन द नेक्स्ट पेज। अगर एंगल है, ये थीटा एंगल है तो इट विल बी आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर द मॉड मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या रहेगा? डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। थंब के अलोंग करंट फ्लो करेगा एंड जिस तरफ आपका फोल्ड हो रहा है फिंगर्स वो डायरेक्शन होगा आपके फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड। सो टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ द वायर इट विल बी इनटू द प्लेन एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड इट इज गोइंग टू बी आउट ऑफ द प्लेन। वाइस वर्सा, आप लोगों के लिए ये इनटू द है, ये आउट ऑफ है, मेरे लिए ये आउट ऑफ है और ये इनटू। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में हाउ इज इट रिप्रेजेंटेड इज गिवन ओवर हियर। इसके बाद और ये नोटेशन था जिसमें डॉट्स इंडिकेट आउट ऑफ द प्लेन। कहीं पर भी आउट ऑफ द प्लेन मुझे इंडिकेट करना है तो आई जस्ट पुट सर्कल के अंदर डॉट, और सर्कल के अंदर क्रॉस है दैट मीन्स इन टू द प्लेन। बायोट सर्विस लॉ इन द टर्म्स ऑफ करेंट डेंसिटी, आई विच इज करेंट, करेंट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज करेंट डेंसिटी, जे क्रॉस
ए, आई इज इक्वल टू जे क्रॉस ए, बाकी सारी चीजें एज इट इज है, ये डीवी हो गया, डीवी इज डिफरेंशियल वॉल्यूम, इंस्टेड ऑफ डी एल इट विल बिकम डी, एरिया से मल्टीप्लाई किया और एरिया से डिवाइड किया, आई इंटू ए जे, तो ए से मल्टीप्लाई किया तो ए से डिवाइड भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई वाला जो है वो टीएल के साथ मल्टीप्लाई हो गया और आई अपॉन ए जो था दैट क्रिएटेड जे, ठीक है, यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ आई अपॉन ए इज इक्वल टू जे, आई डीएल विल बी आई डीएल इंटू ए अपॉन ए, आई अपॉन ए इंटू ए इंटू डीएल, ए इंटू डीएल इज डीवी, आई अपॉन ए इज जे, ये यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। यहाँ पर आखिरी चीज ये बताई हुई है जो इंडिपेंडेंट है, स्पीड ऑफ लाइट इज वन अपॉन रूट अंडर म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट वी, विच इज स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम इज वन अपॉन म्यू, परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम मल्टीप्लाइड बाई परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी अपॉन वी होता है, वन अपॉन म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई वन अपॉन म्यू इंटू एप्सिलॉन इज इक्वल टू रूट अंडर ये ऊपर ये नीचे म्यू एप्सिलॉन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू अपॉन म्यू नॉट इज म्यू आर, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज एप्सिलॉन आर, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज सिंपली रूट अंडर म्यू आर इंटू एप्सिलॉन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये बोला था डेरिवेशन लिखवा दूंगा, सो ये डेरिवेशन है, ठीक ये करंट कैरिंग वायर है एसी, इसमें एक कुछ सेपरेशन पर हमने पॉइंट लिया है पी विच इज रिप्रेजेंटेड बाई ओ पी विच इज इक्वल टू आर, यहाँ पर एक पॉइंट लिया है बी पी एट सेपरेशन एल फ्रॉम ओ पी एल, यहाँ पर एक पॉइंट लिया है पी विच इज एट सेपरेशन एल फ्रॉम ओ, इसके बी पॉइंट के अबाउट एक डीएल लेंथ लिया है, ठीक है, डीएल मतलब स्मॉल सेगमेंट, उस पॉइंट से इस पॉइंट का सेपरेशन बी पी है, ठीक है, एंगल्स इंडिकेटेड है, ये करंट का डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट वेक्टर आई डी एल जो वेक्टर है उससे, और ये आर वेक्टर यहां से यहां का लेंथ आर वेक्टर जो है उसके बीच का एंगल ये थीटा है, ठीक है, क्या हुआ, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और यहां पर आपका आर है, तो दोनों के बीच का एंगल ये थीटा है, ठीक है, ये पूरा लेंथ है वायर का एसी फिलहाल लिया हुआ है मैंने, ये किधर कितना एक्सटेंड करेगा उसके ऊपर की जो कैलकुलेशंस है वो किधर है, जो कि हम लोग करेंगे, लास्ट डे को ये डिस्कस कर लिया था बट फिर से आज कर लेंगे डेरिवेशन के बाद, तो जब ए पॉइंट पर हम कंसिडर कर रहे होंगे तो हमारा एंगल जो होगा दैट विल बी दिस एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स आईडीएल एंड आर, हाँ बता रहा हूं, ये एंगल अगर मैं अल्फा लेता हूं ये एंगल 90 माइनस अल्फा होगा और ये एंगल 180 माइनस 90 माइनस अल्फा होगा, तो 180 माइनस 90 इज 90 एंड माइनस अल्फा का प्लस अल्फा हो गया, तो ये एंगल 90 प्लस अल्फा होगा, ये बीटा एंगल जो है ये एंगल अगर बीटा लेता हूं तो ये एंगल 90 माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक है, सो दैट इज देयर,
इससे बेसिकली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल के टर्म्स में द एंगल बिटवीन आइडियल एंड रेस्पेक्टिव सेपरेशन सेपरेशन वेक्टर जो है पॉइंट का, उन दोनों के बीच का एक्सट्रीम एंगल जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ दिस अल्फा एंड बीटा. इज दैट ओके? यस. सॉरी, पी पॉइंट का जो सेपरेशन वेक्टर है, हाँ, पी पॉइंट का जो सेपरेशन वेक्टर है एक्सट्रीम एंड्स के साथ, ठीक है, वो वेक्टर का आइडियल के साथ क्या एंगल होगा व्हेन यू आर एट द एक्सट्रीम एंड्स, वो एंगल हमने कैलकुलेट. ठीक है, अभी कैलकुलेशंस. सो डीबी मॉड डीबी या डीबी सिंपली इसको बोल लेते हैं, वेक्टर हटा दिया है, वेक्टर डालेंगे तो यहाँ पे मॉड डालना पड़ेगा. दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी इन टू द प्लेन, राइट? वहां पर राइट हैंड थंब रूल लेंगे तो इट इज गोइंग टू बी अंडर इन टू द प्लेन. सो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई. वी आर अज्यूमिंग दैट द सिस्टम इज प्लेस्ड इन फ्री स्पेस. अगर कोई मीडियम में प्लेस किए हुए हैं तो इट विल बिकम म्यू नॉट इनटू म्यू आर आइडियल इनटू बी सी साइन थीटा अपॉन बी पी क्यू. बी पी साइन थीटा अपॉन बी पी क्यू कैंसिल हो गया, आइडियल साइन थीटा अपॉन बी पी स्क्वायर. ये है, ये थीटा है ना, तो ये एंगल. ठीक है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसके बीच का एंगल ये थीटा है. ये आइडियल साइन थीटा अपॉन बी पी स्क्वायर हो गया. अब उसके बाद ये ट्रायंगल से चीजें सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, बी पी, ठीक है, दिस इज आर, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा. साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. ठीक है, दैट इज आर अपॉन बी पी इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा. ठीक बी पी अपॉन आर अपॉन बी पी साइन 180 माइनस थीटा इन ट्रायंगल बी ओ पी. ठीक है, इससे हमारा आ जाएगा आर BP इज इक्वल टू आर अपॉन साइन 180 माइनस थीटा. साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो आर अपॉन साइन थीटा विल बी आर कॉसिक. BP बिकम्स आर कॉसिक थीटा. सिमिलरली BOP में फिर से हम आते हैं, तो BOP में दिस इज परपेंडिकुलर, सॉरी दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस 180 माइनस थीटा. सो यहाँ पर कॉट लिया, कॉट ले या टैन ले, टैन लेंगे तो आर बाई एल हो जाएगा. एल बाई आर के लिए कॉट लेना पड़ेगा हम लोगों को. कॉट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर. देयरफॉर एल विल बी इक्वल टू, देखते बेस बाय परपेंडिकुलर होता है कॉट,
परपेंडिकुलर बाई मीन्स, ठीक है, इट्स परपेंडिकुलर बेस को एल बाय फोर। रिकॉर्डिंग, वी हैड डन टिल दिस, वी जस्ट हैव टू रीराइट द एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ईपी एंड वैल्यू ऑफ पीएल. वी आर गेटिंग म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर कॉसिक स्क्वायर थीटा डी थीटा इनटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर थीटा. Cosec square theta can be cancelled. R can be cancelled with R square. So the final expression comes out to be mu naught 4 pi I upon R sine theta d. Integrating above expression in the limits 90 minus beta to 90 plus alpha. 90 minus the direction of current is from C to A. So the first angle is 90 minus beta. And the final angle is 90 plus I. ठीक है, and then we are just integrating it. Sin theta ka integration is minus cos theta. Sin theta integration is minus cos theta. That minus is taken outside. Then the limits are applied. It becomes cos 90 plus alpha minus cos 90 minus beta. That gives me minus sin alpha minus sin beta with a minus sign before this multiplier. The final expression comes out to be B is equal to mu naught by 4 pi I upon R sine alpha plus sine beta. And the direction will be into the plane at P. Now, the diagram. Can note it down now. ठीक है, तो कौन से बेटा, हम बोलिए क्या क्या यहां पर ना, ऑब्वियसली तो पेन रहेगा, नो डाउट, यस, हाँ, इज ऑन द राइट, तो ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, इंटू द प्लेन रहेगा. नेक्स्ट थिंग इज वी आर ट्राइंग टू फाइंड पेज की नंबरिंग कर. So there is a current carrying loop, a square loop carrying current I, and the descriptions are given as below. The sides of rectangle are A, sir, ये वाला A है, ये वाला B है, ठीक है. अभी इसमें what will be the total magnetic field at the center, ये हम पता करते हैं, या एक आर पहले लिखता हूँ, ओके. सारे आर्म्स की वजह से फील्ड बदल, तो सारे आर्म का एक बार में करेंगे तब तो जीरो हो जाएगा, ठीक है. क्या क्या मैं बता, ये it will not be. The directions has been reversed at this end and this end. So yahan par iski wajah se out of the plane rahega. Iski wajah se bhi out of the plane rahega. Iski wajah se out of the plane rahega.
और इसकी वजह से भी आउट ऑफ प्लेन ही रहेगी। ठीक है, हर जगह से आउट ऑफ द प्लेन ही है, जैसे बी ए में इधर की साइड है, इधर की साइड है, और तुम्हारे लिए इधर की साइड है, तो आउट ऑफ द प्लेन ही जा रहा है ना। हाँ भाई, उंगली फोल्ड करना भी भूल जाओ और गलत उंगली फोल्ड कर लो, उल्टा पुल्टा उंगली टूट जाएगा तो बेसिकली ये स्क्वायर लूप है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, वी वर ट्राइंग टू फाइंड, सॉरी इट्स नॉट स्क्वायर लूप, रेक्टेंगुलर लूप है, इसमें वी आर ट्राइंग टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ठीक है, और इसमें चीजें जो दी हुई हैं, दे आर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल विथ बी सी एंड ए डी इक्वल टू ए एंड ए बी एंड सी डी इज इक्वल टू बी। अभी यहां क्या किया है हमने, ओ से ए बी का डिस्टेंस लिया है विच इज इक्वल टू ए बाई टू। ठीक है, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ओ लाइज एट द सेंटर। ठीक है, तो ओ टू ए बी डिस्टेंस विल बी ए बाई टू, एंड सिमिलरली और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दिस विल बी बाइसेक्टिंग साइड ए बी, तो ये वाला पॉइंट को लेट अस कॉल इट एम, एम बी विल बी इक्वल टू बी बाई टू एंड ओ एम विल बी इक्वल टू ए बाई टू। ठीक है, सिमिलरली ये वाला पार्ट लेट मी कॉल इट बी, तो ओ पी विल बी बी बाई टू एंड बी ए विल बी ए बाई टू। एंगल्स, दो एंगल्स क्या होंगे इसके लिए, साइन अल्फा एंड साइन बीटा बोथ आर गोइंग टू बी सेम। ठीक है, एंड इट विल बी बी बाई टू अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू। ठीक है, ए स्क्वायर बाई टू, ए बाई टू का होल स्क्वायर प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर इज रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो इट फाइनली बिकम्स बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देयर फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट ओ बिकॉज ऑफ ए बी विल बी म्यू अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए बाई टू, सेपरेशन इज ए बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा विच मेक्स इट टू बी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड 2 आई अपॉन ए हो गया है। 2 आई अपॉन ए कहाँ से है, फॉर्मूला में है मेरे ख्याल से, हाँ इनफिनिट के लिए है, नॉर्मल वाले के लिए आई अपॉन आर होना चाहिए ना, फिर टू, अच्छा ओके, ए बाई टू का ऊपर टू चला गया है, तो 2 आई अपॉन ए इंटू 2 बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज आउट ऑफ द प्लेन। बी सी डी एट ओ, बी ए बी एट ओ, सी डी एट ओ एंड ए बी एट ओ आर गोइंग टू बी सेम एंड बोथ आर गोइंग टू बी आउट ऑफ द 4 आई बी अपॉन ए इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर गामा और डेल्टा एंगल लिया है, साइन गामा साइन डेल्टा विल बी ए बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर अपॉन टू, दैट इज ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड एट ओ बिकॉज ऑफ डी ए लेंथ विल बी म्यू बाई 4 पाई इंटू आई अपॉन बी बाई टू इंटू साइन गामा प्लस साइन डेल्टा, दैट इज 2 आई बी इंटू 2 ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गामा डेल्टा का 2 दोनों बराबर है, तो 2 बी ए बिकम्स दिस, बी बिकॉज ऑफ डी ए बिकम्स दिस, बी बिकॉज ऑफ बी सी एट ओ बिकम्स सेम एज बी एट ओ बिकॉज ऑफ डी ए, बोथ आर इक्वल,
अब सबको ऐड कर लेंगे और सारे के सारे आउट ऑफ द प्लेन, तो डायरेक्शन का कोई झंझट है नहीं हमारे पास, बस तो चारों नंबर से ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इट बिकम्स म्यू अपॉन 4 पाई आई अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लिया, 4b/a प्लस 4a/b प्लस 4b/a प्लस 4a/b, दैट मेक्स इट 8b/a प्लस 8a/b, ए बी मल्टीप्लाई कर लिया, इट विल बिकम बी स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट। 8 को कॉमन ले लेंगे, आई के साथ आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए बी हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, आई अपॉन ए बी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट्स आवर फाइनल, इज दैट ओके। हाँ नेक्स्ट क्या, ये रेक्टेंगुलर लूप, अगर ये स्क्वायर लूप होगा तो ए एंड बी आर गोइंग टू बी इक्वल, हाँ, तो उस सिनेरियो में ए ए स्क्वायर 2a² हो जाएगा, ये रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिकम 2a², रूट 2 रह जाएगा, ए और ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बिकम म्यू अपॉन 4π8√2i अपॉन ए। नेक्स्ट थिंग इज क्या हुआ, क्या क्या 16, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप, एक करंट कैरिंग लूप है, इसके एक्सिस पर एक पॉइंट है, दिस पॉइंट पी एट सेपरेशन एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस पॉइंट पी पर, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट, दिस इज द मोस्ट जेनरिक केस, इसके बाद उसमें काफी सारे स्पेशल केसेस जो आगे डिस्कस किया है। इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, यहाँ पर क्या है, इस पी पॉइंट और सर्कुलर लूप के किसी भी पॉइंट पर का सेपरेशन जो है, यानी एपी की वैल्यू वो सेम रहेगी, ठीक है। इट्स लाइक यू आर पुटिंग अ बैंगल ओवर हियर एंड उसके एक्सिस पर कोई आप पॉइंट ले रहे हैं, तो बैंगल के किसी भी पॉइंट से उसके पेरिफेरी पर लगा हुआ कोई या पेरिफेरी पर का कोई भी पॉइंट इस पॉइंट पी से इक्वी डिस्टेंस होगा ऑल दैट, ठीक है, ओनली द डायरेक्शंस आर गोइंग टू चेंज, इज दैट ओके। यहां पर एक डीएल लेंथ लिया हमने एंड करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, तो करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो फाइनल फील्ड मेरा किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में नेट फील्ड, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है यहां पे इस डायरेक्शन में, ठीक है, अरे ऐसे जा रहा है ना, ऐसे कहाँ है बेटा, इधर है ना, इट इज हियर, ठीक है, तो ये ऐसे फोल्ड हो रहा है, ठीक है, आउटवर्ड है, तो इस तरफ जाएगा नेट फील्ड, इसमें क्या प्रॉब्लम, ये अगर ऐसे जा रहा होता तो इस तरफ जा रहा होता, तो इसको इधर लिया है क्योंकि उधर स्पेस नहीं है ना, ठीक है। हाँ ऐसे आज ठीक है, रिंग में करंट का डायरेक्शन ये देता है और थंब देता है फील्ड का डायरेक्शन, राइट, और स्ट्रेट वायर में थंब देता है करंट का डायरेक्शन और फोल्डिंग फिंगर देता है हमारा फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, क्लियर है, किधर अरे जा रहा है, अबे वैसे में यहां पर डायग्राम में देखते हैं, हाँ उसको प्लेन में मत देखिए, अच्छा ठीक है, चल प्लेन में, प्लेन में अगर ऐसे जा रहा है तो एनी वे तेरी तरफ ही जा रहा है ना, तू अपना उंगली होल्ड कर जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको प्लेन में ही समझ, जैसे समझना है, हाँ तो अंगूठा किधर है, हाँ
तो किधर जाना चाहिए? यहाँ पे विदाउट प्लेन किसको प्लेन में नहीं लेंगे? रिंग को प्लेन में नहीं लेंगे तो रिंग को परपेंडिकुलर टू द प्लेन लेंगे, तो फिर प्लेन में इस तरफ जाते रहेगा, फील्ड उसमें ऐसे जा रहा है। हाँ, तो इसी साइड जा रहा है ना। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है? नींद पूरी हुई थी ना? हाँ, अकेले और आजकल दिन में सो नहीं रही है ना पक्के से? और मेरे तुम्हारा क्या हाल चाल है? फिर से सोना चालू कर दिया? दोपहर में आजकल कॉल नहीं कर रहा हूं तो फिर ठीक है, मतलब अल्टीमेटली नहीं सोती है ना। मुद्दे की बात ये है, कितने बजे भी उठ सो उससे मतलब नहीं मेरा, दोपहर में सोती है कि नहीं ये मेरा कंसर्न है। गुड, बाकी टाइम कैसे मैनेज करना है वो तुम्हारा लुकआउट है। दोपहर में नहीं सोना ये मेरा लुकआउट है कि दोपहर में नहीं सो। बात हाँ नहीं, आफ्टरनून में मेरा रहेगा लेक्चर, या फिर हो सकता है मॉर्निंग में भी मेरा रहे। मॉर्निंग 95% मॉर्निंग में भी रहेगा, वैसे एक बार वो क्या नहीं, तो मेरा अगर मॉर्निंग में होगा तो फिर तो ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, तो 1:30-2 बजे तक करना। बायो बाद में ले लेंगे सर, जब सर नहीं, वो ले लेंगे इस वीक में ले लेंगे। तुम्हारा किस दिन है? वेडनेसडे को कि कल ही है? फिर जिन 5 दिन पहले था ठीक है, नहीं होगा अभी तो आया। उसमें हाँ फ्री रहा तो ले लूंगा, शाम को नहीं लूंगा, शाम को तो सिर्फ बुलाऊंगा तुम लोगों को डाउट्स के लिए, अगर फ्री रहा तो। दोनों लेते आना, दोनों दोनों कोई बात नहीं, शाम को आगे पढ़ लेगी। ठीक केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स दोनों रहेगा, रजनी सर का नहीं रहेगा, रजनी सर वाला थर्सडे पर रहेगा, और एक आध वीक देखेंगे तो किसी और दिन भी लगा देंगे तो उनका खत्म हो जाएगा। अमाइंस खत्म हो गया ना? हाँ, तो बायो मॉलिक्यूल्स चालू हो जाएगा। ठीक, तुम लोगों को पॉलीमर्स भी पढ़ना है क्या? HST तुम लोग को है क्या? NCERT में है? नहीं ना, तो फिर नीट में कहाँ है? HSC में नहीं है ना? नहीं, HSC में नहीं होगा तो नहीं होगा। पूरा कर क्या है? पॉलीमर है, ठीक है पढ़ लेना। और क्या है? हाँ
केमिकल काइनेटिक्स तो अभी कराऊंगा, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो अभी कराऊंगा मैं। 16, 17, 18 का नाम क्या है? एलिमेंट हाँ ठीक है, वो हो जाएगा। ट्रांजिशन हाँ अच्छा, इधर क्लस्टर। अरे दो किताब है तुम लोग का, एक ही है ना ये पूरा ना? नहीं नहीं क्या 11 के 3 है कहाँ? अरे नहीं, वो पुराना वर्जन है, पहले दो पार्ट्स हुआ करता था, अभी उन लोगों ने थोड़ा रंग खा करके एक ही पार्ट, कोई रंग नहीं खाया है। नहीं, थोड़ा सा रंग तो खाए ही। मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ अ करेंट कैरिंग लूप वापस से, ये डीएल लेंथ का जो करंट होगा इसकी वजह से पी पॉइंट पर जो फील्ड होगा, ठीक है, ए की वजह से पी पॉइंट पर फील्ड जो होगा दैट इज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन, जिसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, डीबी कॉस फाई, डीबी 2 sin φ। क्या हुआ, चेंज क्यों हो गया? मतलब देखो वो क्यों जा रहा है वो मैं बता देता हूँ, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो IL क्रॉस R जब होगा इट विल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। बात समझ में आ रही है? ये वाला DL जो है ये एक डायरेक्शन में है और ये एक डायरेक्शन में R, तो P जो होगा दैट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू बोथ दिस एंड दिस। आप लोग के हिसाब से बेसिकली ये ऐसे बना देना चाहिए, राइट? बट वो नहीं हो सकता है क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में डीबी वेक्टर है। हाँ, अब वो जो है उसको मैं फिर से इन द प्लेन ऑफ रिंग, रिंग अगर मेरा ऐसे है तो इसको एक ये प्लेन पर मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, या ये प्लेन या ऐसे प्लेन समझ लो इसके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो एक कंपोनेंट मेरा इधर आ जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। तो DB1 DB2 का इंटरनल आपने शायद एक बार कॉस था, तो DB1 DB2 तो DL और R का D, तो ऐसे क्या DB2 कौन सा R के ऐसे परपेंडिकुलर? आर के परपेंडिकुलर है और डीएल के भी परपेंडिकुलर है? ओके, ये जो वेक्टर है दिस इज परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर एज वेल एज आर वेक्टर। बेसिकली यहां पे है जो वो भी आई इस डायरेक्शन में है, आर मेरा इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो अभी मेरा बी वेक्टर जो होगा बेसिकली एल क्रॉस आर होगा, तो इट इज गोइंग टू गो डाउनवर्ड, इट्स लाइक दिस, ऐसे थोड़ा सा जाएगा और उसी को यहां पर प्रोजेक्ट किया गया है, इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। फिर उसके दो प्रोजेक्शन दिए गए हैं अलोंग द एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। वो जो प्रोजेक्ट प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिंग, साइन रिंग वाला ऐसे है, साइन फाई वाला परपेंडिकुलर टू द रिंग है।
और कॉस वाला अलोंग नहीं, इन द प्लेन ऑफ रिंग है, प्लेन पैरेलल टू द रिंग, ठीक है। यहां पर ये वाला ऐसे है, साइन वाला और कॉस वाला ऐसे है, क्योंकि हमारा वेक्टर जो आ रहा है कुछ ऐसे आ रहा है। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? अब जो ऊपर का एलिमेंट है उसके डायगनली अपोजिट एक एलिमेंट होगा, उस पर सेम चीजें ऊपर के डायरेक्शन में होंगी, उसका प्रोजेक्शन आएगा दोनों तरफ, इट विल बिकम DB1 cos φ एंड DB1 sin φ, इसका DB2 cos φ एंड DB2 sin φ, ठीक है। DB का मॉड जो होगा DB1 एंड DB2 का, वो सेम होगा क्योंकि पोजीशन मैग्नीट्यूड आर सेम, द करंट स्ट्रेंथ इज सेम, ठीक है। जो भी डिफरेंस होगा वो सिर्फ डायरेक्शन में डिफरेंस होगा, नॉट देयर मैग्नीट्यूड। आई सेम है, ठीक है, आर भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड में डिफरेंस नहीं हो सकता, द डिफरेंस विल जस्ट बी इन द डायरेक्शन। ये बात समझ में आ रही है? अब ये दोनों एलिमेंट का मिला करके नेट फील्ड क्या होगा, ये वाला और ये वाला कैंसिल कर लेगा, दिस विल बी टू बी 2 dB sin φ, ये एंगल फाइ ले लिया है बेटा, तो क्या ये वाला एंगल फाइ कैसे आया? क्योंकि इस आर के परपेंडिकुलर ये है, ठीक है, और फिर एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वाला एंगल फाइ ही होगा, ठीक है। बस ये है, यहां पर देखने में आपको अटपटा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये दोनों, ये वाली जो ड्राइंग जिस प्लेन में है, इधर वाली ड्राइंग सेम प्लेन में नहीं है, ठीक है, इसलिए ये आर्बिट लग रहा है। क्लियर है? अगर ये सारे एक प्लेन में रहते तो फिर आप जैसे सोच रहे हो ये सीधा आता, वैसे ही सीधा आता, सीधा ड्रॉ करता, बट सीधा ड्रॉ कर दूंगा तो फिर सारी चीजें एक प्लेन में आ जाएंगी, फिर इतनी डिस्कशन नहीं होगी, ठीक है। तो मेरा ये रियलाइज करने का आपको कि दे आर नॉट इन सेम प्लेन, ये तरीका है, ठीक है। एक सेकेंड देख लेता हूँ, कर सकता हूँ, ठीक है। नीचे होगा ना, बायोड सर्किट तो नहीं, पेज नंबर तो चेंज हो गया, ये वाला ही डायग्राम ना। ठीक है, ये डीएल है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, आर जो है वो इन द प्लेन है, ठीक है। इसकी वजह से बी वेक्टर हमारा कैसा होगा, आई क्रॉस एल, एल क्रॉस आई, सो इट इज लाइक, इसको हम ब्रेक करेंगे ऐसे, ठीक है। ठीक इसको जब इधर लाएगी तो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ठीक है ना, और वही डायरेक्शन बी को दिया गया है। क्या क्या? हाँ तो पॉज हो जाएगा।
ये परपेंडिकुलर वाला कॉस हो जाए साइन हो जाएगा, और ये वाला कॉस हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू फाई। अगर देखेंगे तो यस कॉस हो जाएगा और ये साइन हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने एंगल प्रोजेक्शन दूसरा ले लिया है, ये एंगल फाई है तो इसको थीटा लिया है, दिस इज 90 माइनस फाई। क्या हुआ? यूजिंग बार्ट सर्विट्स लॉ, DB1 एट पॉइंट P ड्यू टू DL सेक्शन एट A विल बी इक्वल टू DB1 म्यू नॉट 4 पाई आई DL अपॉन आर स्क्वायर अलोंग PR। सिमिलरली DB2 एट पॉइंट P ड्यू टू DL सेक्शन एट डायमेट्रिक डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए डैश इज DB2 म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर लॉन्ग पी क्यू। द कॉस कंपोनेंट ऑफ DB1 एंड DB2 विल कैंसिल ईच अदर वेयर देयर साइन कंपोनेंट्स विल एड अप टू गिव नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी। साइन एंड कॉस कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट्स विल कैंसिल ईच अदर एंड साइन कंपोनेंट्स विल एड अप टू गिव द नेट वैल्यू एट पॉइंट पी ड्यू टू टू डायमेट्रिकली अपोजिट डीएल सेक्शंस एट ए एंड ए डैश। डीबी इज इक्वल टू DB1 साइन फाई प्लस DB2 साइन फाई दैट इज म्यू अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा साइन फाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल साइन फाई अपॉन आर स्क्वायर। दिस गिव्स मी 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन फाई अपॉन आर स्क्वायर और DB इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल इन टू ए आर क्यूब। अब ए आर क्यूब साइन फाई इज इक्वल टू ए अपॉन आर। इस ट्रैंगल में आते हैं अपन, अब यहाँ पर ए आर एंड फाई, ए बाई आर इज इक्वल टू साइन फाई, देयरफॉर साइन फाई इज ए अपॉन आर। ए अपॉन आर यहाँ पर रख लिया, वी आर गेटिंग दिस। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स बिटवीन अप्रोप्रिएट लिमिट्स 0 to b और यहाँ पर 0 to π है। पाई ए क्यों लिया, हाफ सर्कल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका और इसका दोनों का समेशन हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो हमें सिर्फ आधा सर्कल घूमना है, आधे सर्कल में ही हम पूरा घूम जाएंगे। अगर सिर्फ ऊपर वाले को लिया होते तब पूरा सर्कल घूमना पड़ता, ऊपर का भी और नीचे का भी दोनों सेगमेंट ले लिया है तो इसको सिर्फ हाफ सर्कल घुमाएंगे एक उंगली को, तो दूसरा उंगली ऑटोमेटिकली हाफ सर्कल घूम जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। सो यहाँ पर 0 to π है, दिस मेक्स इट 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर पाई। ए पहले से था, पाई ए एक और आ गया तो इट बिकम ए स्क्वायर पाई, ठीक है। और लॉन्ग पेरीफेरी पूरा लेंथ करना है ना बेटा आपको, सर्कम्फ्रेंस सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का लेंथ किसका? हाफ, मतलब नहीं समझा मुझे। टू पाई का हाफ पाई ही होता है ना बेटा, 2 पाई आर सरकमफेरेंस होता है, उसका आधा पाई है होता है, ठीक है। सो बी इंटू 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए स्क्वायर पाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ये आर का वैल्यू हमने पुट कर लिया यहां से, दिस इज ए दिस इज एक्स, ठीक है।
and we are having this particular thing along OP that is from OPP. Along OP. ठीक है, अब हम लोग इधर आ जाते हैं. स्पेशल केसेस, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द लूप दैट इज एक्स इज इक्वल टू जीरो. अगर पॉइंट बी को एट द सेंटर लेते आते हैं तो एक्स सेपरेशन जीरो हो जाएगा. एक्स की वैल्यू जीरो रख दीजिए तो ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 मेक्स इट ए क्यूब. ए स्क्वायर ए क्यूब कैंसिल होकर के सिर्फ ए बचाएगा. म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू आई अपॉन ए इंटू 2 पाई. ये 2 पाई को 4 पाई से कैंसिल नहीं करते हैं जनरली, क्योंकि म्यू नोट बाई 4 पाई 10^-7. ठीक है, करने का मूड हो तो कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं. मतलब वन अपॉन म्यू नॉट रूट अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सी. ठीक है, हाँ कर सकते, करेंगे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब पढ़ रहे होंगे हम तो एसी के बाद, तो विल डू दैट. If there are n circular loops placed together, then magnetic field due to each loop at point P will be 2 mu naught by 4 pi I a square into pi upon a square plus x square 3/2 power 3/2 along OP. ये एक लूप की वजह से होगा. ऐसे 5, 6, 10 एन लूप्स अगर हैं तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे. वी गेट बी नेट, बी नेट इज इक्वल टू 2 μ0 अपॉन 4 पाई इंटू आई एम ए स्क्वायर पाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अलॉन्ग ओ. ठीक है, यहाँ पर करंट कैरिंग हुआ है, लूप एक पड़ा हुआ है यहाँ पर एट द सेंटर. ये ओरिजिन लेते हैं, द वेरिएशन इज गोइंग टू बी लाइक दिस. मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ठीक है एट ईच लूप ने ड्यू टू ईच. ठीक है, इसका ग्राफ जो होएगा दैट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस. या इसका भी ग्राफ क्या हो बेटा, बेटा जैसे एक वहां पे बैंगल रखे थे ना, वैसे 25-30 बैंगल रखे. ठीक है, क्या कम होते जाएगा? नहीं, बढ़ता जाएगा ना. ये एक्स के साथ वेरिएशन है, ये एक्स है ये बी है. हाँ, अगर सेपरेशन जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो रहेगी तो मैक्सिमम फील्ड रहेगा. और जैसे जैसे, हाँ ये एक्स वर्सेस बी है, एन वर्सेस बी नहीं है. मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ ओ ड्यू टू एन सर्कुलर लूप, सारी चीजें वही रहेंगी, एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ए 2 μ0/4 पाई आई एम पाई अपॉन ए हो जाएगा. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर सेक्शन ऑफ लूप सबस्टेंडिंग एंगल थीटा एट द सेंटर, मतलब सिर्फ इतना ही है, या ये भी जोड़ देंगे तब भी सेंटर पर सेम रहेगा, क्योंकि ओ बी और ए ओ की वजह से ओ पर देयर वोंट बी एनी मैग्नेटिक फील्ड. ऐसे कोई करंट वायर कैरी कर रहा है तो यहां पर फील्ड जीरो होगा, यहां पर भी फील्ड जीरो होगा. तो अगर ऐसे यहां पर भी करंट कैरी हो रहा हो तो फर्क क्या पड़ता है? इस पॉइंट पर तो इन दोनों सेगमेंट का जीरो ही होगा इफेक्ट, तो नेट जो होगा वो सिर्फ इसकी वजह से होगा. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर सेक्शन ऑफ लूप सबस्टेंडिंग एंगल थीटा एट द सेंटर इज म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई थीटा अपॉन ए.
ठीक है, डायरेक्शन विल बी डिसाइडेड अभी यहां पर आउट ऑफ द स्क्रीन। नेक्स्ट थिंग इज एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ जो है, दिस इज रिप्लिका ऑफ गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इट सेज दैट लाइन इंटीग्रल, इट इज बेसिकली काउंटर पार्ट ऑफ गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी वेक्टर अराउंड एनी क्लोज पाथ इन फ्री स्पेस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करेंट ट्रेडिंग और पासिंग थ्रू द एरिया इनक्लोज बाई दैट क्लोज पाथ। तो अगर कोई क्लोज पाथ है यहाँ पे, तो गॉस लॉ को डिपिक्ट किया है, ये एक क्लोज पाथ है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, या ये एक क्लोज पाथ लिया हमने, यहां से मैग्नेटिक फील्ड कितना पास करेगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय और इट इज डिपेंडेंट ऑन द करंट पासिंग थ्रू दिस क्लोज लूप एंड इट विल बी इक्वल टू लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। जितना करंट पास कर रहा है दैट मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट विल बी इक्वल टू जो फील्ड होगा मल्टीप्लाइड बाई डॉट प्रोडक्ट विद डीएल, मैग्नेटिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट विद डीएल, ठीक है। तो किसी भी इनक्लोज्ड एरिया में उसके सरफेस पे जितनी करंट फ्लो कर रही है या इनक्लोज्ड पाथ में जितना करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से फील्ड जो होगा, फील्ड मल्टीप्लाइड बाय दैट इनक्लोज्ड पाथ, फील्ड मल्टीप्लाइड बाय इनक्लोज्ड पाथ विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि आपको ये डेफिनेशन एज इट इज याद कर लेना, एक्सप्रेस करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन फ्री स्पेस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द न्यू नेट करंट थ्रेडिंग और पासिंग थ्रू द एरिया इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड पाथ। पास इसे हाँ पासिंग अराउंड दैट एरिया लिखे हैं, ठीक है, थ्रू को अराउंड कर देते हैं। समेशन के अंदर पहुंचता तो इससे कम होता है गॉस लॉ में कम कहाँ होता है, जितना चार्ज इनक्लोज्ड है उतना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। वो तो एरिया जैसे जैसे आप दूर जाते हो तो आपका सरफेस एरिया बढ़ता जाता है, तो फील्ड लाइन की इंटेंसिटी कम होती जाती है, ठीक है ना। फ्लक्स सेम रहेगा, जितना निकलेगा वही ट्रेवल करता रहेगा, तो यहां पर भी वही चीज है।
एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट इन वायर. So let us say I current is flowing through it. We are taking this enclosed area. At each point of the loop, either tangential, normal to the loop, or B vanishes. Vanishes मतलब its net value should be zero. हाँ. So the loop has to be selected such that the net B should be zero. हाँ. आपको ऐसे सच पूछते हैं. Right. This is I passing through. मैं यहाँ पे अराउंड नहीं होगा, ये पासिंग थ्रू नहीं रहेगा. और ये लूप जो है, दिस इज द लूप वी आर टॉकिंग द लूप. यहां से मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रॉस कर रहा है उसके लिए हम ये एक्सप्रेशन दे रहे हैं. तो ये एक इनक्लोज्ड पाथ है अराउंड दिस करंट, फ्लोइंग करंट. हाँ, करंट ऐसे जा रहा है. ये पाथ है या ये एक यस पाथवे है जिसके थ्रू इस करंट की वजह से टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना जा रहा है बाहर, वो हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो टेंजेंशियल टू द लूप मतलब उसके बाउंड्री से टेंजेंशियल राइट. नॉर्मल तो वो डायरेक्ट टू करेगा, ये भी राइट हैंड ऐसे या ऐसे कभी डायरेक्शन करेगा. नहीं, इसमें डायरेक्शन नहीं है, ये बेसिकली आपका स्केलर प्रोडक्ट है. इधर राइट साइड स्केलर है, लेफ्ट साइड भी स्केलर है, तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं. डायरेक्शन जब निकालना होगा तो यहाँ पर सिर्फ डीएल वेक्टर से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों तरफ, यूनिट वेक्टर डीएल. ठीक है, तो लेफ्ट साइड वाला फिर वेक्टर बन जाएगा और राइट साइड वाला जो है वो भी वेक्टर बन जाएगा. वो तो जब बी हम निकालने की कोशिश करेंगे, इनक्लोजर जो हम बना रहे होंगे, इनक्लोजर के अराउंड बी का डायरेक्शन क्या है, किसी जगह पे अगर मुझे पता करना होगा तो कैसे करूंगा. सो इट विल बी एज पर द राइट हैंड थंब. सो अगर मैं ये इनक्लोजर बनाया, सरफेस इनक्लोजर बनाया, सॉरी लाइन इनक्लोजर बनाया, तो यहां से करंट पास कर रही है आर्बिटर. मैंने ये इमेजिनरी इनक्लोजर बनाया, ठीक है, तो ये इमेजिनरी इनक्लोजर में किसी भी जगह पर फील्ड का डायरेक्शन क्या हो, ठीक है, व्हाट आई हैव टू डू, करंट के डायरेक्शन और थंब रूल से मैं निकाल लूंगा. तो यहां पर अगर ऐसे करंट को कर रहे तो इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, दैट इज. मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट थीम वायर. एक वायर है, इसके अराउंड बी वेक्टर हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं. इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल 0 to 2 पाई आर इज इक्वल टू इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल बी डीएल. दिस इज नथिंग बट म्यू नॉट अपॉन आई, म्यू नॉट सॉरी अपॉन आई बोल रहा हूँ, म्यू नॉट इन टू आई. बी हर जगह पे सेम होगा इन मैग्नीट्यूड, बाहर निकाल लिया, डॉट प्रोडक्ट है, एंगल्स आर गोइंग टू बी 0 डिग्री.
डीएल और बी के बीच में द एंगल्स आर गोइंग टू बी 0 डिग्री, टेंजेंशियल रहेगा दोनों, टू द लूप, लूप का किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा उसी के डायरेक्शन में बी भी होगा और डीएल भी होगा, तो एंड बी का मैग्नीट्यूड सेम है, अगर सेपरेशन सेम है तो इससे बी को हमने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रल डीएल इज 2 पाई आर, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, और बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू आई अपॉन आर विच इज 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर। सो गॉस लॉ से हम स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल वगैरह का निकाल पा रहे थे इजीली, सिमेट्रिकल फिगर्स, वैसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ से भी यहाँ पर सिमेट्रिक चीजों के लिए हम आसानी से निकाल, सिमेट्रिक पाथ के लिए। क्या बस खत्म ही कर रहे हैं, अभी सुबह है ना, 4-5 मिनट ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा। टोरेनॉइड वाले से फिर लेक्चर यानी कल के लेक्चर करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या होता है यहाँ पर दिया हुआ है डायग्राम, क्वाइलिंग ओवर अ रॉड और हॉलो सिलेंडर, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, करंट यहाँ पर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, सो एट एनी प्लेस इट इज फ्लोइंग लाइक दिस, डायरेक्शन क्या हुआ, डायरेक्शन कौन क्या हुआ, नहीं आती है तो तुम बोलो जा करके, अरे कोई है डोर पे, नहीं रेडिट नहीं है ना कोई, ठीक अच्छा, नहीं, चाय वाले सर नहीं, नहीं ना उल्टा डायरेक्शन था ना, यही था या नहीं, नहीं ये ऐसे था, ऐसा हाँ दिखा सकता हूँ, क्यों नहीं दिखे, मेहनत करना पड़ेगा।
यहाँ पर ये ऐसा डायरेक्शन है, यहाँ पर नहीं, ये उल्टा डायरेक्शन था, ये ऐसे डायरेक्शन है, और वो मैंने लगता है समझाने के लिए ही रिवर्स करके बनाया था। अच्छा ये है ना, देखो ये करंट इधर की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, हाँ ऐसे जा रहा है, क्या बोल रही है? अच्छा अच्छा ऐसा हुआ क्या? अरे ये डायग्राम जो है ना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। नहीं, पूरा ये नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी द आइडिया इज, हाँ ठीक है, अभी तो ये भी तो इसी डायरेक्शन में है ना, ये इधर जा रहा है, और इन करंट एंड आउट करंट, ये बाहर से जा रहा है, हाँ फील्ड ठीक है, सही है सही है सही है सही है, दिस इज गोइंग लाइक दिस एंड दिस इज अबाउट द सरफेस राइट। मुझे लगा ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है फाइन 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 फाइन, ओके नेवरदलेस चलिए अब इधर आ जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ करेंट, लेट एन बी द टोटल टर्न्स इन डीए, ए से डी या डी से ए के बीच में तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज डी ए, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज एन, एन अपॉन लेंथ डी ए विल बी इक्वल टू, दिस इज स्मॉल एन, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या हुआ, यहाँ एक इमेजिनरी सेगमेंट लिया है डी, इसको इनक्लोज कर दिया है एक क्लोज पाथ, ठीक है, लेट अस कंसिडर अ रेक्टेंगुलर पाथ ए बी सी डी दैट इज इनक्लोज पाथ इन विच साइड डी ए इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड, ऑल्सो साइड ए बी एंड सी डी आर वेरी लॉन्ग सो दैट फील्ड एट साइड बी सी इज नेग्लिजिबल, ए बी एंड सी डी आर सो लॉन्ग दैट बी सी इज वेरी फार अवे फ्रॉम सोलेनोइड, देयरफॉर फील्ड ओवर देयर विल बी नेग्लिजिबल, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी बी डॉट डी एल एज बी इज परपेंडिकुलर टू डी एल फॉर ए बी सेगमेंट, ए बी सेगमेंट के परपेंडिकुलर है तो देयर विल नॉट बी एनी फील्ड, या फील्ड डॉट डी एल जो होगा जीरो हो जाएगा, सिमिलरली सी डी जो होगा इसके भी परपेंडिकुलर होगा फील्ड, ठीक है, तो इसका भी डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, ये दोनों सेगमेंट जीरो हो गए, बी डॉट डी एल सी टू डी एंड डी टू ए, सी टू डी कैसे जीरो हो, हाँ सी टू भाई ये उल्टा लिख दिया है क्या, हाँ ठीक है, सी टू डी जीरो हो जाएगा, ए टू बी जीरो हो जाएगा, ये वाला जीरो इसलिए है क्योंकि बी वेक्टर जीरो है बी सी, हाँ तो अब इंटायर लूप के थ्रू जो बी वेक्टर डॉट डी एल बचा दैट इज जस्ट डी ए की वजह से बी वेक्टर डॉट डी एल, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई नेट वेयर आई नेट इज करेंट पासिंग थ्रू लूप ए बी सी। अब ए बी सी डी में टोटल करंट
एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कितना पास कर रहा होगा, तो जो भी करंट है ठीक है मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ लूप्स लाइंग बिटवीन ए एंड डी, ठीक है विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ विच इज स्मॉल एन इनटू दिस लेंथ डीएल। बात समझ में आ रही है? यहां पर इस पूरे जगह पे जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ठीक है, यूनिट लेंथ में जितना टर्न्स है दैट टर्न्स मल्टीप्लाइड बाई द लेंथ दैट विल गिव मी द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है तो डीएल लेंथ में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा एन डीएल, और इसमें से करंट कितना फ्लो करेगा मल्टीप्लाइड बाई आई, ठीक है तो आई एन डीएल हो गया, आई नेट जो होगा इसको यहां पर डीएल को इंटीग्रेट कर लिया एडी कर दिया ठीक है, बी इंटू डी ए लेंथ ऑफ आर्म डी ए म्यू नॉट आई नेट बी एट सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट बाय आई नेट बाय डी ए डी ए आई नेट बाय डी ए। अब आई नेट क्या है मेरा एन इंटू डी एल इंटू आई, और डी ए क्या है डी एल, ठीक है सो बी एट द सेंटर विल बी म्यू नॉट एन आई नॉट वेयर एन इज इक्वल टू एन नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड आई नॉट करेंट थ्रू द सोलेनोइड, ठीक है इसको एक्चुअली हम लोग यहां से भी कर सकते थे, सर्कुलर लूप वाला भी डिराइव किया था ना। तो सोलेनोइड इज बेसिकली व्हाट, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग ओवरऑल लॉन्ग रेंज राइट, बहुत सारे बैंगल्स एक साथ लंबा अरेंज कर दिया है हमने एंड दैट इज माई सोलेनोइड, ठीक है तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा आई नेट हम यूज करेंगे 2 पाई से 4 पाई को कैंसिल कर देंगे 2 हो जाएगा, इट सिंपली बिकम्स म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई अपॉन ए, ठीक है अब टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो लेट अस कंसीडर एल एज द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन है तो इट विल सिंपली बिकम एन एल, ठीक हाँ ये रेडियस है
अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये अप्लाई होता है बट ऐसे डायरेक्टली नहीं अप्लाई होता है, तो बताता हूँ क्या होता है, चेंज क्या होता है। बेसिकली सोलेनोइड जो है ना, दैट हैज टू बी कंसिडर्ड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है। और दूसरी चीज ये होती है, जैसे यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं ना बायोट सर्विट्स में, ये वाला इंटीग्रेशन जैसे कर रहे हैं, तो इनफाइनाइट जब लेंगे तो ए और एल के बीच में रिलेशनशिप आएगा, ठीक है। एक सिंगल या फाइनाइट लेंथ वाला लेंगे तो जैसे यहां पर साइन अल्फा साइन बीटा हो रहा है, वैसे ही उसमें भी होता है। इट इज ओनली दैट वो खैर डेरिवेशन करने पे मिलता है, डेरिवेशन करना होगा लेकिन उसकी जरूरत हमको पड़ती नहीं। और ये जिस तरीके से साइन अल्फा साइन बीटा इनफाइनाइट लेंथ और किसी भी एक सेंट्रल पॉइंट पर अगर लेंगे, तो वो एल बाई ए का रेशियो जो होता है दैट बिकम्स वन, साइन अल्फा ही हो जाता है। कंपोजिशन के ए कैप पैरा एल कैप ए कैप, और इसको ऐसे समझते हैं, ये एक्सिस है, यहां से यहां तक सोलेनोइड है मेरा, ठीक है, ये सेंट्रल पॉइंट है, दिस इज ए एंड दिस इज एल बाई टू। अब यहां पर एंगल आएगा, हाँ, सो इट इज गोइंग टू वेरी फ्रॉम दिस लेंथ टू दिस लेंथ, या ये एंगल ले या फिर ये एंगल ले, हाफ एंगल, और इसका इंटीग्रेशन मारेंगे, ये एक तरफ पाई बाई टू हो जाएगा, दूसरी तरफ भी पाई बाई टू हो जाएगा, तो एल बाई ए का समेशन जो होगा ओवर द इनफाइनाइट लेंथ दैट विल बिकम टू। यहाँ पर एल बाई ए जो है, दिस कंप्लीट एल बाई ए, उसमें रेशियो हमारा जो बन के आ रहा था वो एल बाई ए ही आ रहा है, ठीक है ना, वो एल बाई ए जो होगा दैट विल बिकम टू दोनों हाफ में, दैट इज फॉर इनफाइनाइट सोलेनोइड, सच दैट द पॉइंट अंडर कंसिडरेशन इज ऑलमोस्ट एट द मिड, दोनों तरफ से इनफाइनाइट होना चाहिए, तब वो एक्सप्रेशन आता है। ये जो एक्सप्रेशन है, लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड, लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड का मतलब है इनफाइनाइट लेंथ सोलेनोइड, और यहां पर ये जो एल है या डीएल है अपॉन ए द रेडियस दैट इज गोइंग टू क्रिएट आवर साइन थीटा, जिसका इंटीग्रेशन दोनों एंड पर लेंगे तो इट विल बी 1 + 1 दैट इज, ठीक है। नेवरदलेस वो इंटीग्रेशन के बदले हमको ये यहाँ से आसानी से मिल जाता है, वी जस्ट हैव टू यूज दिस, बी एट द सेंटर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई नॉट, और बी अगर किसी एंड पॉइंट पर सोलेनोइड के लेते हैं तो इट विल बिकम हाफ ऑफ दिस टोटल वैल्यू, ठीक है। जैसे वहां पर कंप्लीट वायर इनफाइनाइट वायर के लिए पॉइंट ए का पी का ले रहे थे तो इट वाज ट्वाइस ऑफ द वैल्यू, जो भी वैल्यू थी म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई अपॉन ए, इंटू टू था वो टू फैक्टर हट जाता है या डिवाइड बाई टू हो जाता है अगर एक एंड के सामने पी पॉइंट रहता है तो। सिमिलरली इफ यू आर लुकिंग एट बी एट द एंड ऑफ द सोलेनोइड इट विल बी म्यू नॉट एन बाई आई नॉट, म्यू नॉट एन आई नॉट बाई टू, सेंटर में देखेंगे इट विल बी म्यू नॉट एन आई नॉट, राइट, ये दोनों वही कंडीशन। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोराइडल सोलेनोइड एट इट्स सेंटर, ये हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे, आज के लिए हम लोग यहीं पर रुक जाएंगे।